by Satyam Developers. Bhumi Petnekar endorses this exclusive project at the heart of Khargar that enhances the living experience of the discerning Khargarite. Truly next level. मुंबई पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी को अंजाम दे रहे थे। इस मामले पे मुंबई पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 58 लाख रुपए नकद, गोल्ड कैश और 58 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। दरअसल मुंबई पुलिस में एक शख्स ने अपने साथ इस तरह की ठगी होने की शिकायत दर्ज की। शिकायत के बाद मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने जब इस बारे में पूरी जांच की तो पता चला कि पीएम मुद्रा योजना के नाम पर ठगी का पूरा रैकेट नवी मुंबई से चलाया जा रहा है। अंधेरी पुलिस स्टेशन के टीम ने जो एक गैंग पकड़ा है वो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से मेरे जो सोशल मीडिया है उन पे एड्स पोस्ट करते थे जिसमें मुद्रा लोन और बाकी जो स्कीम्स है उसका अगर बेनिफिट लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए करके अपील किया जाता था। अब कांटेक्ट करने के बाद अलग अलग चार्जेस के नाम पे लोगों को फंसाया जाता था, उनसे पैसे लिए जाते थे, एक सर्टन अमाउंट लेने के बाद फिर कांटेक्ट बंद किया जाता था। तो अब तक के इन्वेस्टिगेशन में हमें ये मिला है कि लगभग 500 से 600 लोगों की चीटिंग हो चुकी है। इस गैंग ने जो अकाउंट यूज किए वो तकरीबन 45 एप्लीकेशंस में रिफ्लेक्ट हो चुके हैं जो कि पैन इंडिया है। इनमें से 7 जो महाराष्ट्र में है, बाकी के अलग अलग राज्यों में है। और इस माध्यम से यही हम कहना चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनकी जो भी मार्केटिंग करते हैं वो एजेंसीज ऑथेंटिकेट है कि नहीं, वो जेन्यून है कि नहीं, वो सही से गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा वेरीफाई करके ही इनके साथ कॉन्टैक्ट्स बनाने चाहिए, इनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए और इस बारे में एहतियात बरतने की जरूरत है। नवी मुंबई आवाज के लिए शाफिक सतवीलकर की रिपोर्ट।